Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए next type. पहले type में हमने सिर्फ angle की values के ऊपर discussion किया. अब next type देखते हैं. देखिए मैं जितनी भी type कराऊंगा आप लोगों को सब type का base रहेगा theta angle. क्योंकि angle ही trigonometry का main base है. और इसी base को मान के shortcut मान के हम अपने सारे questions को solve करेंगे. Next type. Type नंबर टू. फर्स्ट टाइप में हमने एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी सीखी थी. नेक्स्ट टाइप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? वो एंगल जिनमें एंगल का सम 90 हो, उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहते हैं. अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका ट्रिग्नोमेट्री में क्या एप्लीकेशन है? साइन एंड कॉस आर एंटी फंक्शन, टैन एंड कॉट आर आल्सो एंटी फंक्शंस, सीकेंट एंड कॉसेक आर आल्सो एंटी फंक्शंस. साइन का एंटी कॉस है, कॉस का एंटी साइन है. इसी प्रकार टैन कॉट सीकेंट कॉसेक ये आपस में एंटी फंक्शंस है. एंटी फंक्शंस के रिजल्ट्स हमेशा सेम आएंगे जब इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. मतलब इनके एंगल्स का टोटल सम 90 होगा. मतलब जो साइन का 80 डिग्री है वो कॉस के 10 डिग्री के इक्वल होगा, टैन का 60 डिग्री कॉट के 30 डिग्री के इक्वल होगा, सीकेंट का 79 डिग्री कोसेक के 11 डिग्री के इक्वल होगा. एंटी फंक्शंस के रिजल्ट कब सेम हो सकते हैं? जब उनके एंगल्स आपस में पूरक हो, जब उनके कोण आपस में पूरक हो. एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं तो ये फंक्शन कभी इक्वल आंसर नहीं देते. ये कंसेप्ट है पूरक कोण का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. हम इस पूरे कंसेप्ट से कुछ शॉर्टकट बनाएंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे और उन पे बेस्ड हमारे एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. तो पहले आप इसको नोट करें, ये हमारा पहला रूल हो गया. जब रूल नंबर वन, जब एंटी फंक्शंस इक्वल होंगे. तो कंसेप्ट क्या है? एंटी फंक्शंस कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हों. नोट करें. स्टूडेंट, इस रूल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंटी फंक्शंस के साथ इक्वल रिजल्ट्स देते हैं. ये हमारे लिए एक रूल बन गया, एक लॉ बन गया, एक शॉर्टकट बन गया. अब इसका एप्लीकेशन करते हैं. देखिए रेसिप्रोकल फंक्शंस, साइन थीटा इज वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, और स्टूडेंट्स टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा. ये रेसिप्रोकल फंक्शंस कहलाते हैं. आज हमने स्टार्ट करा एंटी फंक्शन से, छह फंक्शन जिनको हमने एंटी फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ा. ये दोबारा से छह फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एंटी नहीं, ये कौन से फंक्शंस पढ़े जाएंगे? रेसिप्रोकल फंक्शंस. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि साइन कॉसेक के साथ अगर मल्टीप्लाइड है तो रिजल्ट वन देगा. ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. रेसिप्रोकल को हम याद करेंगे कैंसिल वर्ड से, जैसे हमने एंटी फंक्शन को याद किया था चेंज वर्ड से, ऐसे हम रेसिप्रोकल को याद कर लेते हैं कैंसिल वर्ड से. कॉस को कैंसिल करेगा कौन? सीकेंट. टैन को कैंसिल करेगा कौन? कॉट. ये कैंसिलेशन कब पॉसिबल है? जब ये एंगल सेम हो, जब ये थीटा दोनों का इक्वल हो, तभी रेसिप्रोकल फंक्शंस एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे. ओके, अभी हमने पढ़ा
कि जब a प्लस बी 90 हो तो चलिए मैं थीटा की जगह a सब्स्टिट्यूट करता हूं सो दैट थोड़ा इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग में. When a plus b is 90, then sin a is cos b. जब a plus b 90 होगा तो sin और cos के रिजल्ट सेम होंगे जब इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो क्या मैं sin a को रिप्लेस कर सकता हूँ cos b से? तो ये फंक्शन हमारा अब बनेगा cos b इंटू cosec a. मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ sin a को रिप्लेस किया है किससे? cos b से. साइन कॉसेक को कैंसिल करके वन आंसर देता है, तो कॉस भी कॉसेक को कैंसिल करके वन आंसर देता है. लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? ये एंगल सेम नहीं होने चाहिए, इनका सम 90 होना चाहिए. मैं कॉसेक को भी रिप्लेस कर सकता हूँ. कॉसेक किसके इक्वल होता है? सीकेंट के. तो साइन ए इंटू सीकेंट बी भी रिजल्ट क्या देगा? वन देगा. कंडीशन फिर वही है कि a प्लस बी कितना होना चाहिए? 90. स्टूडेंट cos secant को भी कैंसिल करता है, sin भी secant को कैंसिल करता है. इनको कैंसिल करने का रूल क्या है? एंगल सेम होना चाहिए. इनको कैंसिल करने का रूल क्या है? एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, एंगल का सम 90 होना चाहिए. दिस इज आवर रूल नंबर 2. तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? sin इंटू secant, अगर इनके एंगल्स का सम 90 आ गया तो हम उसका आंसर क्या देंगे? स्ट्रेट अवे 1. ये हमारे लिए एक शॉर्टकट हो गया, ये हमारे लिए एक सीधा रूल हो गया जिसको हम एग्जाम में क्वेश्चन को सीधा ऑब्जर्व करके अप्लाई करेंगे. नोट करिए, फिर नेक्स्ट रूल फॉर्म करते हैं. बच्चों ये हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्रिएट करें. नेक्स्ट रूल देखिए. नेक्स्ट रूल के लिए पहले जहां से हम ये रूल क्रिएट कर रहे हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट पे आते हैं. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1. ये बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1. अगेन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम. तभी आइडेंटिटी का आंसर क्या होगा? 1. अब हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पे आते हैं कि अगर a प्लस बी हमारे लिए 90 है तो हम साइन a को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस b से. तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b भी क्या होगा? 1 होगा. हमने कुछ नहीं किया, जब a प्लस बी 90 होता है तब साइन a कॉस बी के इक्वल होता है. तो हमने साइन ए की जगह कॉस बी लिख दिया. हम कॉस की जगह भी साइन लिख सकते हैं. तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज ऑल्सो 1. एक आइडेंटिटी ये थी स्टूडेंट जो हम काफी ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड से. इस आइडेंटिटी का कंडीशन क्या है? एंगल शुड बी सेम. हमारे रूल का कंडीशन क्या है? एंगल का सम 90. फर्स्ट सेकेंड थर्ड. सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज 1. अगेन यहां पर एंगल सेम है. अगर इस आइडेंटिटी को हम अपने रूल में कन्वर्ट करते हैं तो टेन ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉट बी. तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी इज ऑल्सो 1. कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1. ये रूल भी 1 होता है. हम कॉट की जगह लिख सकते हैं टैन. तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी इज ऑल्सो 1. बच्चों इस पूरे रूल के लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि ए प्लस बी का सम 90 होना मस्ट है. एग्जाम में हम अलर्ट रहेंगे, जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें दिखाई देते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल का एप्लीकेशन करेंगे. नोट करिए, दिस इज रूल नंबर 3. If sin 7x equals to cos 11x, find the value of tan 9x into sin 9x.
देखिए स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन कॉस ये दो एंटी फंक्शन है, ये इक्वल कब हो सकते हैं, कंडीशन क्या होगी इनके इक्वल होने की? ये केवल तब इक्वल हो सकते हैं जब इनके एंगल्स का सम 90 हो, जब इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो। साइन 7 इज इक्वल्स टू कॉस 11, साइन और कॉस इक्वल है, एंगल का सम 90 होना चाहिए, मतलब 7 प्लस 11 18x मस्ट बी 90, मतलब x का वैल्यू हो गया 5 डिग्री। हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी जिससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना था। सो अगर मैं x की जगह 5 डिग्री पुट करता हूं तो 9 × 5 = 45, साइन 45, टैन 45 इज 1, साइन 45 इज 1/√2, सो आंसर इज 1/√2। स्टूडेंट देखिए, अब अगर ये रूल हमारे माइंड में है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस साइन एंड कॉस स्ट्रेट अवे, रूल कहता है कि जब ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। ये एक मेंटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, 7 + 11 = 18 = 90, मतलब एक्स की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 5 मतलब टैन 45 साइन 45, जिनकी वैल्यूज हमें पता है स्ट्रेट अवे आंसर आएगा। और इस सारी कैलकुलेशन को हम सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज में चेंज कर सकते हैं। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए, दिमाग से तेज कुछ नहीं चलता, आपके हैंड्स भी आपके माइंड के एप्लीकेशन को ही फॉलो करते हैं, तो पहले दिमाग चलेगा तभी हाथ चलेंगे। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोशिश करनी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम माइंड में सॉल्व करें, मेंटल एबिलिटी में चेंज करें क्वेश्चंस को। हमारे शॉर्टकट बनाने का, आप लोगों को बताने का मोटिव भी यही है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आप उसको अपने टाइप से मैच करते हैं, स्ट्रेट अवे एग्ज़ाम में आपके माइंड में एप्लीकेशन होना चाहिए कि क्या टाइप है और इसके लिए क्या फॉलो करना है शॉर्टकट। अगर ये शॉर्टकट को आप मेमोराइज़ करते हैं डेली रिविज़न के साथ, जितने ज़्यादा शॉर्टकट्स मेमोराइज़ करेंगे, जितने ज़्यादा ये शॉर्ट ट्रिक्स मेमोराइज करेंगे, उतना फास्ट होते जाएंगे। मेंटल एबिलिटी में चेंज करने का मीनिंग क्या है, आपने कोशिश करनी है कि आप पेन और पेपर को दूर कर दें और डेली अपनी एक्सरसाइज में, डेली आपकी प्रैक्टिस में आप क्वेश्चंस को हमारे बताए हुए शॉर्टकट से मेथड से ट्राई करें और कोशिश करिए कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं तो मेंटल एक्सरसाइज के ही, इनको एक टाइम लिमिट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करते जाएं। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन हार्डली 20 सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है, 5 सेकंड मैं इस बात के लूंगा कि ये किस एप्लीकेशन पे है, बाकी 15 सेकंड्स में ये सारी कैलकुलेशन मैं अपने माइंड में सॉल्व कर सकता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अपने टाइम लिमिट में फिक्स करते जाएं कि अगर ये टाइप आती है तो मुझे इतनी देर में सॉल्व करनी है, यही टाइम मैनेजमेंट है। धीरे 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 हर टाइप के साथ आप इस स्लॉट्स को, टाइम स्लॉट्स को अरेंज करते जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद जब आप 40 मिनट्स का 30 मिनट्स का प्रैक्टिस करेंगे तब आपको फील होगा कि हर टाइप के साथ जो सर ने टाइम बताया है, अलॉट किया है, अगर उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं तो क्वेश्चंस आपके डे बाय डे इंक्रीज होते जाएंगे 40 मिनट्स 30 मिनट्स में। और यही हमारा टारगेट है, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सो दैट हम मेरिट में आए, हमारा 300 में से 250 प्लस का टारगेट होना चाहिए। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, और इस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ।
देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन एंड कॉस एंटी फंक्शंस, तो एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90. सो एक्स प्लस वाई एंड थ्री एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एंड थ्री एक्स प्लस वाई 90. इट मीन्स फोर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज 90. सो टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज 45. क्या हमें टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई की ही वैल्यू चाहिए थी? यस. तो आंसर इज 10:45, दैट इज 1. हार्डली 10 सेकेंड्स. नेक्स्ट, साइन एंड कॉस आर एंटी फंक्शंस, इनके एंगल्स का सम कितना है? 90. इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं, रिजल्ट आ गया 1. टैन एंड टैन, एंगल का सम 90. आज हमने पढ़ा था कि साइन और कॉस एंटी है, इसी प्रकार टैन और कॉट भी एंटी है. तो टैन इंटू कॉट, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं तो रिजल्ट 1 देते हैं. और अगर मैं रिप्लेस करूं कॉट को टैन से, तो इसका मतलब टैन ए इंटू टैन बी इज ऑल्सो 1. कॉट ए इज इक्वल्स टू टैन बी, बिकॉज कॉट एंड टैन आर एंटी फंक्शंस. तो कॉट का एंटी टैन, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी, तो टैन ए इंटू टैन बी इज ऑल्सो 1. हमारा रूल नंबर 2 हमने फ्रेम किया था कैंसिल फंक्शन से. तो यहाँ पर 1 और 89 का टोटल 90, 2 और 88 का टोटल 90, सारे पेयर्स का टोटल 90 आएगा, बीच में tan 45 इज ऑल्सो 1, बाकी सब का प्रोडक्ट भी 1, tan 45 भी 1. सो दिस इज 2 इंटू 1, 2. लास्ट फंक्शन देखो, हमने आइडेंटिटी से फ्रेम किया था sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b इज ऑल्सो 1 व्हेन द सम ऑफ द एंगल्स इज 90. सो थर्ड पार्ट में भी हम देखते हैं इसका रिजल्ट भी कितना है, 1. 1 इंटू 3 इज 3. सो टोटल आंसर इज 1 प्लस 2, 3 माइनस 3, दैट इज 0. देखिए, ये हमने फर्स्ट रूल, ये हमने सेकंड कैंसिलेशन रूल, और ये हमने थर्ड जो आइडेंटिटी से रूल क्रिएट किया था, तीनों रूल से फ्रेम करके ये क्वेश्चन. ये सब हमारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही फिक्स्ड क्वेश्चन हैं, जो लगातार हर साल चेंज करके, एंगल को चेंज करके, फ्रेम करके बनाए जाते हैं. ये कौन से पार्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारी टाइप है, इसको माइंड में रखना है. अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, टाइप्स और क्रिएट करेंगे, उन टाइप्स को माइंड में रखेंगे, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा सेशन लूँगा जिसमें मैं सारी टाइप्स के क्वेश्चन को एक साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, एक एक करके टाइप को पिक करेंगे और चेक करेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो किस टाइप का है, और हमने उसको कैसे एकदम माइंड में स्ट्राइक भी करना चाहिए कि सर ने ये टाइप बताई थी, तो इस टाइप को डायरेक्टली अप्लाई करना है. नोट करिए, स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे साथ देखिए. हमने जो रूल 1, रूल 2, रूल 3 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के फॉर्म करे थे, उसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चंस जो हमारे एनडीए के एग्ज़ाम में, ये मान के चलिए कि आप 3-4-5 इयर्स के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो ये एक ऐसी टाइप है जो आपके एग्ज़ाम में फिक्स हो गई है. कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में आपके एग्ज़ाम्स के लिए मस्ट हो गया है. और क्वेश्चंस देखिए मेरे साथ. फर्स्ट, हमने रूल फॉर्म किया था बाय रेसिप्रोकल फंक्शंस, साइन ए इंटू कॉसेक ए इज 1. ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनको हमने याद किया था कि ये कैंसिल हो जाते हैं. इफ आई वॉन्ट टू रिप्लेस कॉसेक, देन आई कैन रिप्लेस इट बाय सीकेंट. तो ये हमने रूल फॉर्म किया था, दिस वॉज रूल नंबर 2, दैट साइन इंटू सीकेंट इज ऑल्सो 1. यही कंडीशन हमारी इस क्वेश्चन में गिवन है, देखिए चेक करिए. साइन एंड सीकेंट, इफ आई टेक एल्फा इज ए, देन 30 प्लस एल्फा इज बी, और इसका रिजल्ट क्या गिवन है? 1. ये कब हो सकता है? कंडीशन क्या है? व्हेन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इट मींस ए प्लस बी का सम 90 होना चाहिए. फॉर अस ए इज एल्फा एंड बी इज 30 प्लस एल्फा.
सो 2 अल्फा इज 60, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 30 तरह के माइनस होगा, तो 60 एंड अल्फा इज 30. हमें फाइंड किसका रिजल्ट करना है, साइन अल्फा, अल्फा इज 30 सो साइन 30 प्लस कॉस 2 अल्फा मींस 2 इंटू 30, साइन 30 इज हाफ एंड 30 इंटू 2 60, कॉस 60 इज ऑल्सो हाफ, सो हाफ प्लस हाफ इज 1, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. नोट करिए बच्चों इसको, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें cosec 39 का वैल्यू x की फॉर्म में गिवन है और आंसर भी हमसे x की ही फॉर्म में पूछा है. देखिए, व्हाट इज 1 बाय cosec स्क्वायर, 1 बाय cosec स्क्वायर इज sin स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b इज 1 व्हेन a प्लस b इज 90, 51 प्लस 39 इज 90, सो इन पूरे फंक्शन का रिजल्ट 1. ये हमारे क्वेश्चन के एक पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड टर्म इज tan स्क्वायर, लास्ट में देखिए sin इनटू secant, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया sin इनटू secant इज 1 व्हेन a प्लस b इज 90, जब उनके एंगल्स का टोटल 90 हो तो sin और secant का प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 होता है. क्योंकि यहां फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है तो आंसर में भी हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे इस फंक्शन में. 1 बाय 1 स्क्वायर इज 1, वी कैन कैंसिल 1 विद 1, 1 फॉर्म कि हम इस क्वेश्चन में 1 को 1 से कैंसिल कर दें लाइक दिस, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 51 डिग्री, 10 का एंटी कॉट और 51 का कॉम्प्लीमेंट्री 39. हम कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1. इस फॉर्म में चेंज करने का लॉजिक क्या है, लेट्स सी. हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कोसेकेंट के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए हम कॉट को कोसेकेंट में चेंज कर रहे हैं एंड कोसेकेंट 39 इज x, सो आंसर इज x स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी. नोट करिए बच्चों इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फिर कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं. देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एक तो बच्चों हम क्वेश्चन को चेक करते हैं एंगल से. यहां पे देखिए एंगल 18 एंड 72, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90. इट मींस एक हिंट मिलता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप से रिलेटेड है, जहां पर एंगल्स का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है. cot 18 को हम अंदर ओपन करते हैं ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करते हैं तो cot 18 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. cot into cot इज 1 व्हेन द सम ऑफ द एंगल्स इज 90, 18 and 72 is 90, so cot into cot is 1, so I get 1 into cos square. Cot upon tan is also 1 when the sum of their angles is 90. Cot or tan anti functions hai, angle ka sum 90 hai, to ye dono same honge, same hai to division mein cancel ho jayenge, inka result bhi kya hoga, 1. So we are left with 1 upon secant square and 1 by secant square is also cos square. So finally we have cos square 22 plus cos square 68. Cos square a plus cos square b is also 1 when a plus b is 90. So yahan 22 aur 68 ka sum bhi kitna hai bachcho, 90. So cos square a plus cos square b is 1. So answer is 1. Note kariye, fir next question pe aate hain. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर फर्स्ट एंगल है साइन के साथ 1, नेक्स्ट इज 2 और ये एक सीक्वेंस एक पैटर्न दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है और लास्ट एंगल इज 89. ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, 1 और 89 का सम 90, 2 और 88 का सम
90, अगेन यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होगी साइन स्क्वायर 3 और इधर इससे पहले होगी साइन स्क्वायर 87, उनका सम भी एंगल्स का 90 होगा। तो फिर हमें एक इंट मिलता है कि एंगल्स का सम 90 है, तो क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम ग्रुप करते हैं तो वी गेट साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, ये हमारा रूल बन जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और एंगल का सम भी 90 है। सेकेंड पेयर साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88 और ऐसे हमारा ये लास्ट पेयर होगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 46। बट इन सारे टर्म्स में नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, काउंट करते हैं कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं 89, 1 से लेके 89 तक एंगल जा रहा है, तो इसका मतलब टर्म्स भी कितनी होंगी 89। अब 89 टर्म्स में पेयर कितने टर्म्स के फॉर्म होंगे, 88 टर्म्स के कितने पेयर फॉर्म होंगे, 44 पेयर्स। ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, ये लास्ट पेयर है, बट इन पेयर्स में एक वैल्यू पेयर अप नहीं होगी साइन स्क्वायर 45, वो 89th टर्म काउंट कर लेते हैं हम। हर पेयर का रिजल्ट कितना होगा 1, और कितने पेयर्स हैं, ये नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स आर 44, इट मींस 44 टाइम्स रिजल्ट आएगा 1, सो 1 कम्स 44 टाइम्स, इट मींस ये 44 पेयर का रिजल्ट हो गया 1 × 44, और लास्ट जो टर्म हमारी है वो है साइन स्क्वायर 45, दैट इज साइन 45 का स्क्वायर 1/2, सो 44 × 1 44 प्लस हाफ इज 44.5। स्टूडेंट इस सीरीज का सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कितना मिलता है हमें, 44.5। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं हमारे पास, अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो इसका आंसर 1 है। इस तरह के 44 पेयर्स हमने सीरीज में फॉर्म करे, 44 उनका आंसर आया, लास्ट टर्म जो सिंगल आउट टर्म है उसका रिजल्ट हाफ, सो 44.5। नोट करिए इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये तो इसका पूरा कंसेप्ट हो गया, एग्जाम में हम सीरीज के इस क्वेश्चन को मैं कभी शॉर्टकट डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, उसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड टाइप है ये हमारे, एक तो मैं आपको बता दूं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको स्ट्रेट अवे आंसर देने का मेरे साथ शॉर्टकट देखिए। साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। लेट से हमारे पास सीरीज है साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89। बच्चों पहले तो इस सीरीज का फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, 1 और 89 आर कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड 3 और 87 आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये एक कंप्लीट सीरीज है जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के एंगल से क्रिएट करी गई है। हमें इसको सॉल्व करना है, पहला स्टेप स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में। नंबर ऑफ टर्म्स हम सॉल्व कर सकते हैं लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1 के शॉर्टकट से। व्हाट इज द लास्ट एंगल 89, व्हाट इज द फर्स्ट एंगल 1, फर्स्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक एपी बन रहा है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, दिस इज एन एपी। एपी की फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट याद करिए आप लोगों ने किसे रिप्रेजेंट किया होगा, ए लेटर से। डी का मतलब होता है इन एंगल्स के बीच का डिफरेंस विच इज 2 हेयर, सो 1, 89 माइनस 1, 88, 88/2 इज 44 प्लस 1 इज 45, नंबर ऑफ टर्म्स आर 45। सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द सम, स्टेप नंबर 2, बच्चों सम का शॉर्टकट नोट करो
n by 2, n मतलब number of terms जो यहाँ पे कितनी है, 45 by 2 is 22 and half. इस shortcut से अगर मैं इस question को solve करूँ, so what is the first term and last term, 89 and 1, so 89 minus 1, 88, what is the difference, difference is 1, 88 by 1 is 88, so यहाँ पर number of terms क्या हो गई, 88 plus 1 that is 89, और sum का shortcut क्या है, n by 2, so 89 by 2 is 44 and half, तो student हमारा answer भी कितना था, 44 and half, तो आप दो step में इस तरह के question को solve कर सकते हैं, ये shortcut है इस question को solve करने का, इसको note करें.